छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और उनके सहयोगियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में इस साल भारत के कई दुश्मन मारे जा चुके हैं। अब इस कड़ी में 23 अक्टूबर को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का एक गुर्गा मार गिराया गया। मोहम्मद सलीम कराची की दिल्ली कॉलोनी का रहने वाला था। सलीम की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी दरगाह अली शाह सखी सरमस्त के निकट लियारी नदी में फेंक दी गई। पुलिस स्टेशन लियारी ने सलीम की बॉडी को नदी से बरामद किया। पिछले हफ्ते दाऊद मलिक, जिसे वैश्विक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता था, वो पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया था। हाल ही में शाहिद लतीफ, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया गया, वो भी मारा गया था। और अब पाकिस्तान में एक और आतंकी ढेर हो गया है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में मार गिराया गया। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का एक गुर्गा मार गिराया गया है। कराची की दिल्ली कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद सलीम ढेर कर दिया गया है। हालांकि भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान में चुन चुन कर भारत के दुश्मनों को मार गिराया जा रहा है। VK News, राष्ट्र के नाम।